सो हेलो गाइज, वेलकम बैक वन सेकंड टू क्रेजी, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो जोसा काउंसलिंग का ऑफिशियल शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है। आपको वेबसाइट पे जाना है josa.link.in। यहाँ पे आप जाके जोसा के बिजनेस रूल्स और शेड्यूल दोनों देख सकते हैं। बिजनेस रूल्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है उसका वीडियो जल्दी आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा शाम तक। अब अपन बात कर लेते हैं जोसा काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में। तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से जोसा काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल एक बारी में देख सकते हैं, ठीक है। जॉइंट एपेक्स बोर्ड डिक्लेयर जेईई 2022 रिजल्ट, ठीक है, वो 5 अगस्त को आ चुका है। 11 सितंबर को आपका जेईई एडवांस का रिजल्ट आएगा। 12 सितंबर को आपकी काउंसलिंग चालू होगी। ये मैं हमेशा से बोल रहा हूं कि जेईई एडवांस के रिजल्ट से मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि 12 सितंबर से जोसा काउंसलिंग शुरू होगी, और वो एकदम सही प्रेडिक्शन था, क्योंकि हर साल ऐसा ही होता है। एडवांस के नेक्स्ट डे काउंसलिंग चालू हो जाती है, तो एडवांस के रिजल्ट है उसके नेक्स्ट डे आपकी काउंसलिंग चालू हो जाएगी। 18 तारीख को मॉकसीट अलॉटमेंट 1 का रिजल्ट आएगा, 20 तारीख को मॉकसीट अलॉटमेंट 2 का रिजल्ट आएगा, ठीक है। 21 सितंबर को आप लास्ट अपनी चॉइस फिल करके लॉक कर सकते हैं, ऑटो लॉक हो जाएगा अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो 23 सितंबर है तब तक आपका फर्स्ट राउंड का एलोकेशन का रिजल्ट आएगा। फिर 23 से 26 सितंबर जिनको ब्रांच मिल गई उनकी रिपोर्टिंग होगी। फिर राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, ऐसे 6 राउंड तक चलेगा। उसके बाद ऐसे करते करते आपका ये राउंड 6 तक चलेगा, और राउंड 6 की क्वेरी आंसर करने का आपका टाइम है 17th of October। उससे पहले फिर आपकी जो है उसके बाद सीसेफ काउंसलिंग भी शुरू होगी। तो आप मान के चलो कि NITs के इसके अंदर 16 अक्टूबर, तो उसके 15-20 दिन बाद तक आपकी सीसेफ काउंसलिंग चलती है हर बार 15-20 दिन तक। तो ये मान के चलो आपकी 7-8 नवंबर तक जोसा काउंसलिंग चलेगी। तो आपका कॉलेज शुरू हो जाएगा लगभग 2nd-3rd week of November तक। इसमें देखो ना, इसमें आपकी 21 को, ठीक है, तो हाँ 2nd या 3rd week of November तक आपका कॉलेज चालू हो जाएगा। तो ये जोसा काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल आप यहां से देख सकते हो। बेसिकली आप 12th of September से लेकर 21st of September में अपनी चॉइसेस के साथ ऊपर नीचे कुछ भी आपको जो करना है, कोई चॉइस हटानी है, डिलीट करनी है, नहीं करनी है, 21st of September तक ये चॉइस ऑटोमेटिकली आपको या तो लॉक करनी पड़ेगी, मतलब लॉक कर दो, लॉक नहीं करोगे तो ऑटो लॉक हो जाएगा। अब बिजनेस रूल्स में आपको 3 चीजें समझनी होती है, फ्रीज फ्लोट स्लाइड और बाकी बिजनेस रूल्स में क्या क्या दिया गया, इंपॉर्टेंट आपको हर चीज मिल जाएगी। उसके लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।